मौसम में आए परिवर्तन के साथ ही हरी इलायची की डिमांड पर असर साफ दिखाई देने लगा है। दरअसल ठंड के आते ही इसकी मांग घटना शुरू हो गई है, लेकिन इस बार लोकल मांग के साथ साथ निर्यातकों की खरीदारी भी बाजार में काफी कमजोर देखने को मिली है, जिसके चलते इसके दामों में गिरावट का माहौल बनने लगा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की बोड़ी मंडी और केरल की इडुक्की में हरी इलायची नीचे में 816 रुपये प्रति क्विंटल बिकी तो ऊपर में 1403 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देखने को मिला। वहीं इंदौर के बाजारों की बात की जाए तो इंदौर के बाजारों में भी हरी इलायची के भाव में गिरावट देखने को मिली है। भाव 900 से लेकर 1000 के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जबकि मीडियम बोल्ड 1050 से लेकर 1250 तक देखने को मिल रही है। वहीं बेस्ट ए बोल्ड क्वालिटी का की इलायची का भाव 1450 से 1500 और पान बार 850 से 900 रुपये प्रति किलो के आसपास चल रही है। व्यापारियों का कहना है कि हरी इलायची की नई फसल का समय काफी नजदीक आ चुका है, जिसके चलते कीमतों में आगे गिरावट की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, और पुराना स्टॉक उत्पादक केंद्र पर भरपूर होने के कारण भी बिकवाली का दबाव बाजारों में बढ़ता दिखाई दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे मंदी को सपोर्ट मिल सकता है। दरअसल नए मालों की आवक शुरू होने पर इन दामों पर आगे बाजार कुछ और टूटने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।